नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में क्या डिफरेंस होता है, और इनमें से दोस्तों हमें अपने घर के लिए कौन सी बैटरी खरीदनी चाहिए। और दोस्तों साथ ही यह भी बात करेंगे कि C20 या C10 या फिर C5 का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, पहले के समय में जो हम अपने इन्वर्टर के लिए बैटरी यूज करते थे वो हमारी सिंपल बैटरी होती थी, लेकिन दोस्तों आज के समय में हम चाहे किसी भी कंपनी की ले लें, वह हमें सिंपल बैटरी तो मिलती ही है, लेकिन दोस्तों हमें साथ में सोलर बैटरी भी मिलती है। तो दोस्तों, सोलर बैटरी में फर्क क्या है, वही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी के रिप्लेसमेंट वारंटी वगैरह के बारे में। तो दोस्तों, हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है उसके साथ हमें जो है 3 साल की वारंटी मिलती है, या फिर दोस्तों कई हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है उनके साथ हमें 5 साल की भी वारंटी मिल जाती है। लेकिन दोस्तों, हमारी जो सोलर बैटरी होती है उसके साथ हमें 5 साल की वारंटी मिलती है। और दोस्तों, यदि हम नॉर्मल बैटरी 3 साल की वारंटी के साथ लेते हैं तो यह हमारी 4 से 5 साल के बीच ही काम करती है, यानी इसके बाद यह बैटरी जो है काम करना बंद कर देती है। और दोस्तों, यदि हम 5 साल की वारंटी वाली लेती हैं तो यह करीब 6 साल या फिर 7 साल के आसपास चलती है, जबकि दोस्तों हमारी जो सोलर बैटरी है यह हमें 7 से 8 साल तक जो है आसानी से हम इसको चला सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हम लगभग इसे 9 साल के करीब इसका यूज जो है कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, यह बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप जो है अपने बैटरी को जो है ठीक तरह से इसका ध्यान रखते हैं, यानी कि कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी बैटरी जो है पूरी चार्ज नहीं हो पाती और बार बार बैटरी डाउन होने के कारण जो है इसकी कैपेसिटी जो है कम हो जाती है और यह काम करना जो है कम कर देती है। इसलिए दोस्तों यह हमारी बैटरी जो है वो जल्दी ही खराब हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इसे सही तरीके से चलाएंगे, यानी इसे टाइम पर चार्ज करेंगे और टाइम पर ही इसको जो है यूज कर लेंगे और टाइम टू टाइम इसके पानी वगैरह का ये ध्यान रखेंगे, यानी कि दोस्तों यदि आप सही मेंटेनेंस के हिसाब से अगर आप इसको यूज करेंगे तो यह 8 से 9 साल तक आपको जो है यूज में आप इसे ले सकते हैं, जबकि दोस्तों हम नॉर्मल बैटरी को जो है 6 से या फिर 7 साल तक ही यूज कर पाते हैं। तो दोस्तों, एक डिफरेंस तो यह है कि इसकी वारंटी हमें सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि 5 साल मिलती है, और हम इसे जो है 8 से 9 साल तक इसका यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि C20 और C10 में क्या फर्क है। तो दोस्तों, हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है वह वैसे तो हमारी C10 की रेटिंग में भी मिलती है, C5 की रेटिंग में भी मिलती है, और C20 की जो है रेटिंग में भी मिलती है। तो C20 या फिर C10 या C5 का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है दोस्तों यानी कि घंटे। अगर दोस्तों मान लीजिए आप C20 की कैपेसिटी वाले बैटरी लेते हैं तो इस पर क्या है कि आप 7 एम्पियर तक या फिर 7.5 एम्पियर तक का लोड जो है चला सकते हैं, और C20 का मतलब क्या है कि 20 घंटे, यानी कि 20 घंटे आप इस पर जो है 7 या फिर 7.5 एम्पियर करंट चला सकते हैं। जबकि दोस्तों यदि हम C10 रेटिंग की बैटरी लेते हैं तो इस पर हम जो है 15 एम्पियर तक का लोड जो है 10 घंटे चला सकते हैं। इसी की तरह यदि हम C5 की रेटिंग वाली बैटरी लेते हैं तो C5 पे हम जो है 30 एम्पियर तक का लोड 5 घंटे तक चला सकती है। ठीक है दोस्तों, यह मतलब होता है C10 या फिर C20 या फिर C5 का। यानी कि दोस्तों, जितनी कम ओवर कैपेसिटी की हम बैटरी लेंगे उतना ही करंट हम जो है अपने सोलर बैटरी या फिर नॉर्मल बैटरी पर जो है चला सकते हैं। यदि आप दोस्तों यह चाहते हैं कि हमें घर पर कम ही लोड चलाना है, यानी मान लीजिए दोस्तों आपको 1-2 फैन वगैरह चलाना है, यानी कि 7 एम्पियर तक का यदि आप लोड चलाते हैं या फिर 7 एम्पियर से कम लोड चलाते हैं और आप चाहते हैं कि यह हमारा ज्यादा देर तक चले, तो आप जो है C20 की रेटिंग कैपेसिटी वाली बैटरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो है लोड 15 एम्पियर तक का है और यह हमें जो है कम समय तक चलाना है, यानी 8 या 9 घंटे चलाना है, तो इसके लिए दोस्तों आप जो है C10 की रेटिंग वाली बैटरी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यदि आप यह चाहते हैं कि हमारी जो है घर का लोड ज्यादा है, यानी कि 30 एम्पियर तक का है, और हमें कुछ देर ही चलाना है, तो आप जो है C5 की रेटिंग वाली बैटरी जो है ले सकते हैं। यानी दोस्तों C20 या फिर C10 या फिर C5 का मतलब होता है डिस्चार्ज रेट, यानी कि यदि आप C20 वाली बैटरी ले लेते हैं तो यह 20 घंटे के बाद जो है ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, चाहे आप उसको जो है यूज करो या फिर ना करो। ठीक है दोस्तों, अगर आप C10 वाली लेती है तो C10 वाली जो है 10 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होने लगती है, और यदि आप C5 वाली लेती हैं तो 5 घंटे के बाद जो है यह बैटरी ऑटोमेटिक डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अपने लोड के हिसाब से इनकी रेटिंग जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो कैपेसिटी है यह दोनों ही
बैटरियों में सेम होती है, चाहे आप नॉर्मल बैटरी ले लो या फिर सोलर बैटरी ले लो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों बैटरियों के बैकअप टाइम के बारे में। दोस्तों हमारी जो नॉर्मल बैटरी होती है वह हमें जो है लगभग 4 से 5 घंटे के आसपास हमें बैकअप टाइम देती है, यानी कि 4 से 5 घंटे के आसपास हम उस पर यदि लगातार अपने घर का लोड चलाएंगे तो वह हमें 4 से 5 घंटे तक जो है हमारे घर के ऊपर चला सकती हैं। जबकि दोस्तों हमारी सोलर बैटरी नॉर्मल बैटरी की बजाय ज़्यादा बैकअप टाइम हमें देती है। यदि नॉर्मल बैटरी है, मान लीजिए आपके घर के लोड को 5 घंटे चलाती है, तो हमारी सोलर बैटरी जो है हमारे घर के लोड को 7 से 8 घंटे के बीच में चलाएगी। ठीक है दोस्तों, और अब जो इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है वह यह है कि दोस्तों हमारी मान लीजिए नॉर्मल बैटरी हमें 10,000 के प्राइस में मिलती है, तो वही सोलर बैटरी हमें जो है 12,000 या फिर 13,000 के प्राइस में मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यह इनका सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि सोलर बैटरी हमें कहाँ पर यूज करनी चाहिए और नॉर्मल बैटरी हमें कहाँ पर यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि आप यह चाहते हैं कि हमारे घर का जो है बिजली बिल ज़्यादा आता है और हम यहाँ पर अपने घर के लिए सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों आपको जो है सोलर बैटरी का यूज करना होगा। अगर दोस्तों आप यह चाहते हैं कि हमारे घर का बिजली बिल कम है और हमारे घर में जो है 24 में से 20 घंटे लाइट रहती है और कभी कभार हमें इन्वर्टर पर अपने उपकरण चलाने की जरूरत है, तो फिर आप जो है अपने घर के लिए नॉर्मल बैटरी यूज कर सकते हैं। और यदि आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या फिर आपने पहले से सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, तो फिर आपको जो है सोलर बैटरी यूज करनी होगी और उसके लिए आप जो है सोलर इन्वर्टर आपको लेना होगा। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों आप नॉर्मल इन्वर्टर पर भी अपनी सोलर बैटरी यूज कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों हमने भी की है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी में क्या फर्क है। तो वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो या फिर दोस्तों आपको इनके बारे में कुछ और जानना हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।